बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अरसलान नईम द थर्ड साइड में। आज हम लोग बात करेंगे मुस्लिम दुनिया में होने वाले पहले फीफा वर्ल्ड कप की। फीफा का जिक्र जब भी आता है दिमाग में तो आपके दिमाग में आता होगा स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, हल्ला गुल्ला, कॉन्सर्ट्स, ये सब चीज़ें होंगी। मगर एक चीज़ अपने माइंड में रखें कि जहाँ भी एंटरटेनमेंट होती है वहाँ पर इकोनॉमी होती है, और जहाँ पर इकोनॉमी होती है वहाँ पर पॉलिटिक्स होती है। ये एक साइकिल है। और यही वजह है कि जब से ये वर्ल्ड कप कतर को अवार्ड हुआ था तब से बहुत से दोस्त ममालिक की भी तनकीद और दुश्मनी का कतर को सामना करना पड़ा है, और बहुत से यूरोपियन ममालिक भी इस वक्त कतर पे तनकीद कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स, गे राइट्स, लेस्बियन राइट्स, लेबर राइट्स, ये सब चीज़ों को इशू बना के कतर पे दबाव डाला जा रहा है। लेकिन कतर गवर्नमेंट ने इसके ऑपोजिट क्या किया, डिटेल में इस सीरीज़ में तो हम देखेंगे, क्योंकि ये सीरीज़ मैं डेडिकेट करने लगा हूँ फीफा वर्ल्ड कप के लिए। इसमें एंटरटेनमेंट को भी कवर करेंगे, मगर साथ साथ जो इसका इम्पेक्ट है इकोनॉमिकली और जियोपॉलिटिकली, उसको भी इस सीरीज़ में हम लोग कवर करेंगे। कतर ने क्या किया, कतर ने चंद बहुत ही खूबसूरत इंतज़ाम किए हैं। एक तो ये कि ये जो वर्ल्ड कप है दुनिया का मोस्ट एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप होने जा रहा है। ओवर 220 बिलियन डॉलर्स इस वर्ल्ड कप पे कतर ने लगा दी है, तो एंटरटेनमेंट तो यहाँ पे होगी। इसके साथ साथ कतर ने क्या किया है कि ये ऐलान किया है कि जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे वो कतर के कल्चर को रिस्पेक्ट करें। कतर ने जहाँ पे दुनिया में के बड़े बड़े आर्टिस्ट को बुलाया है वहाँ पे साथ ही उन्होंने डॉक्टर जाकिर नाइक को और कई रिलीजियस लीडर्स को भी यहाँ पर इन्वाइट किया, ताकि एक तरफ कॉन्सर्ट्स हो रहे हों मगर दूसरी तरफ रिलीजियस इवेंट्स भी हों, जहाँ पे वही जो फॉरेनर्स हैं, यूरोपियंस हैं, उनको आके इस्लाम को जानने का भी मौका मिले। इसके साथ साथ कतर ने क्या किया, जितने भी होटल्स हैं वहाँ पे आपको एक क्यूआर कोड मिलेगा। क्यूआर कोड आप अपने होटल रूम में स्कैन करेंगे और वो आपको एक वेबसाइट पे ले जाएगा जहाँ पे व्हाट इज़ इस्लाम, इस्लाम का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ से इस वीडियो को आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो तो टोटली एंटरटेनमेंट के नाम है आज, क्योंकि पहला मैच होने जा रहा है। और ये जो पीछे मेरे देख रहे हैं आप, ये पाकिस्तानी ट्रक आर्ट है, और इसके साथ ही ये इंडियन ट्रक आर्ट है। आपने फैसला करना है कि सबसे बेहतरीन ट्रक आर्ट किसके है।
तो इसके साथ ही जो डे वन है उसको कंक्लूड करते हैं। आज के दिन में कुछ हल्ला गुला था, कुछ फायरवर्क्स थे, मैच था कतर और इक्वाडोर का। फेस्टिवल की जो वाइब है वो क्रिएट होने शुरू हो गई है, और जैसे जैसे बड़े मैचेस आएंगे, बड़ी टीम्स के मैचेस आएंगे और उनके सपोर्टर्स जब बाहर नज़र आएंगे, जो कि अपनी सेलिब्रेशंस की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, तो फिर ये जो वीडियो सीरीज़ है ये मज़ीद इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग होती जाएगी। और जो कल का दिन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है, क्योंकि यूएसए वर्सेस वेल्स का जो मैच है वो मैं स्टेडियम से कवर करूंगा। तो कल तक के लिए इजाज़त, फिर मिलते हैं, बहुत शुक्रिया।